के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 7 बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है। तो देखिए, बज चुके हैं 7 और शुरू हो चुके हैं वोटिंग 93 सीटों पर। तीसरे चरण का आज मतदान है। कुल 7 चरणों में 2024 लोकसभा का चुनाव करवाया जा रहा है। आज तीसरे चरण की वोटिंग है, 93 सीटों पर ये वोटिंग है। 7 बजे के वक्त और शाम 6 बजे तक आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पसंद के प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। 93 सीटों पर ये वोटिंग होगी, जिसके लिए प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तमाम तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी और आपसे भी अपील लगातार न्यूज इंडिया करा है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। देखिए, इसके साथ ही कई बड़े प्रत्याशी हैं, कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। बात चाहे गुजरात की करें, MP की करें, उत्तर प्रदेश की करें या फिर महाराष्ट्र की करें, कई बड़े चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है और किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में आज 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी कि 93 सीटों पर वोटिंग होगी और 7 बजने के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक आप मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप आज मतदान जरूर करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच चुके वोटर्स को इसके बाद तक वोटिंग कराई जाएगी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि 7 बजने के साथ ही पहले से इंतजार कर रहे लोग अब मतदान करने के लिए जा रहे हैं बूथ के अंदर और वहां पर मतदान कर रहे हैं। मतदान करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 10 राज्यों का फैसला होगा, जिसमें कि 11वां केंद्र शासित प्रदेश है और 93 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक अगर आप पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे तो आप आराम से वोट कर पाएंगे, लेकिन शाम 6 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने मत अधिकार को समझे, आप अपने अधिकार को समझते हुए सरकार चुनने की जो आपके पास ताकत है उसको जरूर समझे। देखिए, 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 केंद्र मंत्री और 4 पूर्व सीएम मैदान में हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और मोदी भी आज अहमदाबाद में वोट डालेंगे। तीसरे चरण में गुजरात की गांधीनगर सीट और यूपी की मैनपुरी सीट पर वोटिंग होगी। गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवार हैं, जबकि मैनपुरी से यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। 7 बजे से शुरू होकर ये वोटिंग की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी।